प्रभसिमरन ने शीनी विदर्भा के मुंह से जीत, कप्तान फैज फजल की शतकीय पारी पर फिरा पानी। इस जीत के साथ ही पंजाब की उम्मीदें बरकरार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रमजीत सिंह और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 में आज राउंड 4 का एलिट ग्रुप बी में पंजाब और विदर्भा के बीच बहुत ही रोमांचक मैच खेला गया, जिसमें पंजाब के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन ने जबरदस्त शतक जड़कर पंजाब की विजय हजारे ट्रॉफी 2021 में क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। दोस्तों, आपको बता दें कि टॉस जीतकर पंजाब ने गेंदबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी करते हुए विदर्भा ने 50 ओवर में 290 रन बोर्ड पर लगा दिए, जिसमें विदर्भा के कप्तान फैज फजल ने 9 चौके और 4 छक्कों की मदद से 101 रन की बेहतरीन पारी खेली। साथ ही गणेश सतीश ने 78 और अक्षय वारकर ने नाबाद 63 रन बनाए। पंजाब के सिद्धार्थ कौल और हरप्रीत बराड़ ने 4-4 विकेट झटके। 291 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की शुरुआत बेहद खराब रही। 81 रन पर अपने 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज के विकेट खोने के बाद पंजाब का इस मैच को जीत पाना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन एक शोर संभालकर खेल रहे सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन ने 140 गेंदों पर 167 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पंजाब को हारे हुए मैच में जीत दिलाई। प्रभसिमरन ने 13 चौके और 9 छक्के जड़े। प्रभसिमरन की बेहतरीन पारी से पंजाब ने विदर्भा को 4 विकेट से मात देकर विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के क्वार्टर फाइनल की उम्मीदों को बरकरार रखा है।